यह सुबह के लाइव दर्शन घर की पैड़ी से सीधे भीड़ का नजर आप लगा सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। काफी संख्या में श्रद्धालु हैं, लाखों के संख्या में श्रद्धालु हैं, लाखों करोड़ों श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं इधर। ये देखिए सामने क्या सुंदर नजारा है, जहां तक आपकी नजर जाएगी जिस घाट पर भी आप देख लीजिए तो आपको श्रद्धालु श्रद्धालु देखेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ इस समय हरिद्वार में और आप इस सीरीज देख ही पा रहे हैं, ये कांवड़ यात्रा सीरीज चल रही है क्योंकि सावन का पावन पर्व चल रहा है और मैं हरिद्वार का भीड़ मेरे पीछे देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। आपको एक उनके हर की पैड़ी का दर्शन कराते हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु हैं, लाखों के संख्या में श्रद्धालु हैं, तो भाई यहाँ के दर्शन कराते हैं मंदिरों के और यहाँ के घाटों के। लाखों करोड़ों श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं इधर। ये देखिए सामने क्या सुंदर नजारा है, जहां तक आपकी नजर जाएगी जिस घाट पर भी आप देख लीजिए तो आपको श्रद्धालु श्रद्धालु देखेंगे। और बाकी यहाँ का नजारा भी हो रहा है कुछ ऐसा, ये देखिए चलिए कहीं आगे चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग, आ गए हैं क्लॉक टावर सामने। अरे डाक कावड़ जा रही है, देखिए भागते जा रहे हैं। तो ये क्लॉक टावर के सामने का नजारा हो रहा है ऐसा, ये देखिए काफी ज्यादा भीड़ हो रही है क्लॉक टावर के नीचे, ये देखिए। दोस्तों भीड़ भाड़ काफी हो रही है, चलिए आपको घाट का नजारा दिखाते हैं, घाट पर नजारा कैसे हो रहा है। घाट का नजारा देखिए, ये है हर की पैड़ी घाट का नजारा। सामने गंगा मंदिर रहा, वो वहां आरती वगैरह हो चुकी और यहाँ का नजारा देखिए। आज का दिन है तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, छाता पड़ी गया, छाता अंदर देख, छाता हो तो दोस्तों देख लिया आपने कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, श्रद्धालु कितनी संख्या में यहाँ पर नहा रहे हैं। धार बहुत ज्यादा तेज है, काफी लोगों से धार को भी काट भी रहे हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। तो काफी सारे लोग मेरे सामने उस समय उस दिन डूबे थे, काफी लोग के गोते लगे थे अच्छे खासे, बहुत तो लोगों ने बचा लिया जो तैरने वाले थे। बाकी ये देखिए नजारा, चलिए थोड़ा आगे तरह आपको नजारा दिखाते हैं उस साइड का।
हर की पैड़ी से भागलपुर के साइड के दर्शन, हर की पैड़ी के सुबह के दर्शन। ये देखिए साइड से यहाँ का नजारा। यह सुबह के लाइव दर्शन हर की पैड़ी से सीधे, भीड़ का नजर आप लगा सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही ज्यादा भीड़ है दोस्तों, और काफी सारे लोग नहा भी रहे हैं उसी तरह की तरह। आप जिस पुल पर देखेंगे उस तरह भीड़ भीड़ है। आज काफी लाखों की मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं भोले बाबा के दर्शन करने, गंगा स्नान करने, क्योंकि श्रावण का पावन पर्व चल रहा है। और यहाँ का नजारा कुछ ऐसा, प्राचीन मंदिर बोले अपने नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अच्छा आपका नाम क्या है? नाम है आदि। अच्छा आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं काफी दूर दूर से लोग आए। कितने लीटर जल उठाओगे? 10 लीटर जल उठाओगे। आप कितने उठाओगे? 10 लीटर। अच्छा तो कितने दिन का प्रोग्राम है अभी यहाँ पर? अच्छा एक दो घंटे बाद। अच्छा अच्छा तो अभी नहा लिया, गंगा स्नान कर लिया? नहीं किया अभी, दर्शन वर्शन करते हैं, नहा आगे थे सीधा। अच्छा 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 अच्छा, चलो यार समुद्र। तो देखा आपने यहाँ से काफी दूर दूर से लोग आए हैं, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई महाराष्ट्र से भी आया है। तो यहाँ भोले के दरबार में भोले ने सबको बुलाया है सावन के पावन पर्व पे अपने गंगा स्नान के लिए। वो देखिए सामने काफी सुंदर नजारा। गंगा मंदिर का इधर नजारा, सामने वाल्मीकि मंदिर, इस साइड हनुमान मंदिर, काल भैरव मंदिर, और ये मेरे सामने श्री प्राचीन गंगा माँ मंदिर। सामने महाकाली की मूर्ति देख पा रहे हैं आप, और इस साइड भी बहुत सारे मंदिर हैं। आप केदारनाथ मंदिर ये है इधर, उधर नारायण मंदिर है ये सामने, और ये है नारायण बद्रीनारायण मंदिर के अंदर का दृश्य कुछ। और चलिए आपको इस साइड का नजारा दिखाते हैं। ये है श्री प्राचीन गंगा माँ मंदिर, ये अंदर का दृश्य कुछ ऐसा हो रहा है। आपके पास अंदर से दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए इस शिवलिंग को अभिषेक करा रहे काफी सारे भोले, और यहाँ पर ये नारायण बद्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो हम लोग अभी घाट पे आ चुके हैं, हर की पैड़ी घाट पे। चलिए आपको नीचे घाट का नजारा दिखाते हैं यहाँ से। माइक के पास पहुंचे, बोले सोनू
Fearless.